वेलकम टू अलवतीन ग्रुप, होप ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपके साथ आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है डिस्कशन करूंगा इसी वीडियो में, ब्लॉगिंग में। करंटली आपके जितने भी स्टूडेंट हैं एफएससी के, उनका अभी रिजल्ट नॉमिनेटेड होने वाला है आफ्टर वन मंथ और 15 डेज। तो जो विलिंग है अब्रॉड के लिए, स्पेशली मेडिकल एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए मेरी एक सजेशन और रिकमेंडेशन है। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान आउट कर रहे हैं तो आपने स्पेसिफिक 3 बातों को नशीन रखना है कि जब भी आप एडमिशन ले रहे हो तो आपने कोशिश ये करनी है कि पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप कंट्री में आपने एडमिशन अपना सिक्योर करवाना है। आइदर वो कोई भी कंट्री हो सकती है, आइदर आप यूक्रेन में, रोमानिया में, चाइना में, रशिया में, बल्गारिया में, क्रोशिया में या सर्बिया, जितने भी मैंने कंट्रीज नॉमिनेटेड आपको की है इसमें आप अपना एडमिशन सीकिंग करें। इसके अलावा अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली एडमिशन देख रहे हैं एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने कोशिश करनी है जिस यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले रहे हैं या जो भी कंसल्टेंट आपको प्रमोट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, कोई यूनिवर्सिटी स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसकी एक्रेडिटेशन और जो तमाम इदारों के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और स्पेशली हमारे पाकिस्तान में पीएमडीसी जो फार्मर पीएमसी है उससे आपकी अनलिस्टेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ए कैटेगरी में उसका नाम होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी का। जो लास्ट ऑप्शन है कि आपके पास जो आपका करिकुलम है वो टोटल इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। आप जिसकी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आपने ये कंफर्म करना है कि उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटल इंग्लिश मीडियम में है, आइदर उनका इंस्ट्रक्शन किसी और मीडियम में है। स्पेसिफिकली इधर नॉमिनेटेड एक बात आपसे कर दूं, अगर आप ईरान में एडमिशन लेते हैं तो आप में आपका जो थ्रू आउट स्टडी प्रोग्राम है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड पर्शियन लैंग्वेज में होगा। इसी तरह चाइना में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बायलैंगुअल हैं, आपको चाइनीज में करवा रही हैं। इसी तरह रशिया में स्पेसिफिक कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रशियन मीडियम है, या हम उसको इस तरह कह लेंगे उनका मीडियम बायलैंगुअल मीडियम है। अगर आप स्पेसिफिक किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो ये आपने कंफर्म करना है थ्रू अपने सोर्स और कंसल्टेंट से कि सर उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश मीडियम है या आयर बायलैंगुअल है या फुली उनकी लोकल लैंग्वेज में है। ये 3 बातें आपने ज़हन में रखनी है अगर आप एमबीबीएस में अब्रॉड में एडमिशन के लिए सीकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज की एक्रेडिटेशन और उनका स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने उसको क्रॉस कंफर्म करना है ईएफएमजीज की वेबसाइट से या पेमियर की वेबसाइट से, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन और रैंकिंग किस हवाले से है। बाकी आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको ये गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं हमारी एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली हम रशिया की यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करते हैं जिसमें टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी भी रूबल्स में नॉमिनल लो कॉस्ट फीस है। अगर आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं एमबीबीएस के हवाले से तो आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं, हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, एट देन थैंक्स अलॉट फॉर आवर लिसनर। इफ यू रिक्वायर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी कैटेगरी ऑफ वीजा, आइदर स्टडी वीजा, बिजनेस वीजा, आइदर एनी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन कंसल्ट विद अस विद आवर रिप्रेजेंटेटिव एट 24 आवर्स। थैंक्स अलॉट एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन।